बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, धूप की वजह से चेहरे की रंगत सांवली हो या धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मल लें। जब जल्द खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें। रात को वजू करके सो जाओ, बरकत हो जाएगी। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अक्ल होता है। नाज़रीन, ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा सुस्त रहता है। नहर मुशायद चाट लेने से ज़िंदगी भर कोई बड़ी बीमारी नहीं घेर सकती है। इसबगोल रोज़ाना खाने से मादे में तेजाबियत से होने वाली जलन नहीं होगी। नाज़रीन, देसी मुर्गी खाओ, दिल की नाली साफ़ हो जाएगी। देसी मुर्गी का सूप पीने वाले के दिल के वान कभी बंद नहीं होते हैं। पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावल इस्तेमाल करने चाहिए। नाक के अंदर बाल निकलना आए तो जान के दांतों का कीड़ा लगने वाला है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो जान लो ये अरकन होने की निशानी है। नाज़रीन, रात के वक्त जल्दी नींद आने लगना आंखों की नज़र तेज होने की अलामत है। कद रुक जाए तो सुबह सवेरे उल्टा लटक लिया करो, कद पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर रोटी पकाते वक्त तवा रोटी को जलाता है तो इस पर केले की छिलके मसल दो। कड़वी बादाम कभी मत खाना, इससे आंखों की बेनाई कम हो जाती है। सफ़ेद जीरा खाने से बचाता है और जिगर के लिए मुफीद है। नाज़रीन, अगर ख्वाब के अंदर मीठा बल खाता हो देखो तो जान लो ये खूबसूरत होने की निशानी है। मसूर की दाल इस्तेमाल करने से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खाली पेट इंजीर खाने से खून की कमी एक महीने के अंदर पूरी हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से सिक्खन अच्छी होती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल में रहेगी। नाज़रीन, सोते वक्त आंखों में सुरमा डालने से आंख में चमक आ जाती है। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। नाज़रीन, तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। गाजर का रस शाम को पीस कर कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करें, नज़र ठीक हो जाएगी। लोबिया के दाने पीस कर चेहरे पर लेप करने से रंगत निखर जाती है। अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो रोज़ाना दो अदद चौहानी खिलाएं। चंद दिन इस टोटके पर अमल करें। जिसका गला बैठ जाए तो वो सूंख का दाना चूसने आवाज़ उसी वक्त खुल जाएगा। केला खाने से शहवत के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। खाली पेट नहा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।